खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और बड़ी खबर के साथ जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। औरैया में ट्रकों से मजदूरों के साथ घायलों को भेजे जाने का मामला, जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने 5 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है। तो शवों के साथ बोकारो और पुरुलिया तक जाने की लगी थी लेखपालों की ड्यूटी, जिसके बाद 5 लेखपालों को सस्पेंड किया गया है। तो शवों को ले जाने की लेखपालों की ड्यूटी लगी थी, जिसके बाद लापरवाही बरतने पर जनतंत्र टीवी ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। और इस खबर का असर देखने को मिला, औरैया में ट्रकों से मजदूरों के साथ घायलों को भेजे जाने का मामला। जिलाधिकारी अभिषेक ने यह कार्रवाई करते हुए 5 लेखपालों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। तो औरैया में ट्रकों से मजदूरों के साथ घायलों को भेजे जाने का मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से औरैया का मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी बीच 5 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया गया है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षय सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ तमाम जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेशनल लगातार इस खबर को उठा रहा था, दिखा रहा था, जो ट्रकों में एक साथ मजदूरों के शव और घायल मजदूरों को भेजा गया था, झारखंड के जो मजदूर थे, झारखंड के बोकारो और पुरुलिया के लिए ये जो डेड बॉडी थी उनको जाना था, उन्हीं के साथ में यहाँ पर जो घायल मजदूर थे उनको भी बैठा दिया गया था, जो अमानवीय काम किया था और ये जिला प्रशासन ने। तो अब उस जो नेशनल की खबर था उसका असर हुआ है, डीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। और यहाँ जो जो लेखपाल थे, 5 लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई थी इन शवों के साथ में कि उनको घर तक छोड़ के आना है, उस मामले में डीएम ने बेहद बड़ी कार्रवाई की है, 5 लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। उन बताया जा रहा है जो लेखपाल थे उन्होंने सिर्फ हाजिरी लगा दी थी कि उनके वो डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, लेकिन वो घर पर ही रहे। तो इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी अभिषेक मीणा ने 5 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है। जी जी अभिषेक, वो अक्षय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जनतंत्र टीवी की खबर का असर देखने को मिला, जहां 5 लेखपालों को सस्पेंड किया गया है। और औरैया में ट्रकों से मजदूरों के साथ घायलों को भेजे जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जनतंत्र टीवी ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया था। और दिखाने के बाद इस खबर का असर भी देखने को मिला, जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने 5 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है।